नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हिंदुओं का पलायन दुखदायी, कहा मोहन भागवत ने। उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के कथित विस्थापन को लेकर जारी विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में विस्थापन की खबरें दुखदायी और परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों से आ रही ये खबरें दुखदायी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के लोगों के दिल से निराशावाद दूर कर उनमें यह भावना भरे कि यह देश हमारा है, यह जमीन हमारी है। भागवत हिंदू साम्राज्य दिवस के मौके पर जोधपुर के लाल सागर इलाके में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वयं सेवकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यह दिवस मराठा नरेश छत्रपति शिवाजी के राजतिलक के उपलक्ष में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि शिवाजी के समय भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को एकजुट किया और उनमें राष्ट्रीयता एवं बलिदान की भावना भरी। भागवत ने कहा कि शिवाजी का अनुकरण करने की जरूरत है और आरएसएस ऐसा ही कर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ओम के उच्चारण से किसी का धर्म नहीं बदलता। योग के दौरान ओम के उच्चारण और सूर्य नमस्कार करने को लेकर कुछ समुदायों के विरोध के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मैं दुबई गया और वहां के लोगों से ओम का उच्चारण कराया, सूर्य नमस्कार करवाया। सूर्य नमस्कार कराने के दौरान मैंने कुछ मुसलमानों को अपने साथ रखा और कहा कि यदि सूर्य नमस्कार से उनका धर्म बदलता है तो वो ऐसा न करें। मैंने कहा कि योग करने के दौरान आप आमीन या ओम कह सकते हैं, लेकिन कई लोगों और ज्यादातर मुसलमानों ने आमीन की जगह ओम कहा। उन्होंने कहा कि ओम के उच्चारण से उन्हें मानसिक शांति मिली। योग की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष तथा वैश्विक है। ये बातें उन्होंने 21 जून योगा दिवस के राजपथ पर आयुष मंत्रालय की ओर से आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, बाबुल सुप्रियो के अलावा भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी और विजय गोयल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ बोल, कहा जब ढांचा गिराने से नहीं रोका तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका तो भला मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। भाजपा सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने मदर टेरेसा को लेकर कहा कि मदर टेरेसा धर्मांतरण करवाती थी, आज भी सेवा के नाम पर धर्मांतरण जारी है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इन ईसाइयों ने किस तरह से खतरनाक स्थिति पैदा कर रखी है, इसे देखना है तो झारखंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जाइए। आदित्यनाथ ने कैराना के मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, तब किसी ने कोई पुरस्कार वापस नहीं किया। आदित्यनाथ के इस बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चली है।